अच्छा वो तो करूंगी, तुम्हारी हड्डियां तोड़वाऊंगी, समझे तुमने, हड्डियां समझे, जो हाँ हाँ वो तो उखाड़ेंगे, वो तो उखाड़ेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी ऐसी बात करने की है? बड़ी औकात लालूपुर में किसी की नहीं है, जिसकी माँ की दूध पी वो आके लड़ लगी। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माता जी से बदतमीजी करने की? भाई देखो इज्जत में दोगे तो इज्जत मिलेगा, ठीक है? अच्छा ऐसी बात है, लाते पड़ेंगे तुम्हें तो क्या, तो क्या करोगे, क्या लाते पड़ेंगे अब जब तुम्हें तो क्या करोगे? लालूपुर में किसी की नहीं है, ठीक है? बड़ी औकात लालूपुर में किसी की नहीं है, जिसकी माँ की दूध पी वो आके लड़ लगी। तुम्हें तभी से बात करनी चाहिए थी। तो तुम्हें से बात किया था इन्होंने, लेकिन हड्डियाँ तोड़वा दूंगी, हड्डियाँ तोड़वा दूंगी तुम्हारी। वायरल ऑडियो में ये आवाज रायबरेली की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अदिति सिंह की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर ये ऑडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कथित रूप से अदिति सिंह किसी शख्स को फोन पर धमकाती हुई सुनाई दे रही हैं। यूपी कांग्रेस ने इस ऑडियो को एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, तेरी तो हड्डियां तोड़वाऊंगी, हड्डियां, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे बात करने की। ये डायलॉग है रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह का। दरअसल विधायक जी किसी को हड़काने के लिए फोन की थी, वो आदमी इनसे हड़का नहीं तो इन्होंने इसी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। भाजपा सरकार में सचमुच गुंडाई का लाइसेंस बटा हुआ है, जिसके सहारे इनके हर कार्यकर्ता गुंडाई की जुबान बोलने लगे हैं। विधायकों को तो यह लाइसेंस बांटने का टेंडर मिला हुआ है, भाजपा वाले अपने लिए गुंडाई को कानूनी दर्जा दे ले बस, क्योंकि सरेआम गुंडाई करने में उन्हें कोई संकोच तो है नहीं। बताया गया कि अदिति सिंह की मां ने उस शख्स को किसी काम के लिए फोन किया था, लेकिन उस आदमी ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। कथित रूप से इसके बाद बीजेपी विधायक को गुस्सा आ गया और उन्होंने तिलमिलाते हुए उस शख्स को फोन घुमा डाला और ऑडियो वायरल हो गई। अच्छा वो तो करूंगी, तुम्हारी हड्डियां तोड़वाऊंगी, समझे तुमने, हड्डियां समझे, हाँ हाँ वो तो उखाड़ेंगे, वो तो उखाड़ेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी ऐसी बात करने की है? बड़ी औकात लालूपुर में किसी की नहीं है, जिसकी माँ की दूध पी वो आके लड़ लगी। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माता जी से बदतमीजी करने की? भाई देखो इज्जत में दोगे तो इज्जत मिलेगा, ठीक है? अच्छा ऐसी बात है, लाते पड़ेंगे तुम्हें तो क्या करोगे? इस ऑडियो के वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने पूछा कि क्या योगी जी इन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे क्या? इस मामले पर यूपी तक ने अदिति सिंह से बात करने की कोशिश की, पूछा कि इस ऑडियो के पीछे का सच क्या है, तो अदिति सिंह ने कहा कि ये दावे गलत और फॉर्ज्ड हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि अदिति इस वायरल वीडियो को लेकर कानूनी कार्रवाई करने के मूड में है। खैर अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाली अदिति ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर की। अदिति को कांग्रेस में लाने में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी। अदिति ने कांग्रेस में आने के समय कहा था कि प्रियंका गांधी बहुत ही सशक्त महिला हैं, मैं उनके गाइडेंस में राजनीति में आना चाहती थी, इसीलिए कांग्रेस से चुनावी पारी शुरू की। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अदिति सिंह का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में वो शामिल हो गई। साल 2017 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी और जीती। साल 2019 अगस्त में अदिति के पिता अखिलेश सिंह का निधन हुआ था। अखिलेश 5 बार विधायक रह चुके थे। रायबरेली में उनका दबदबा था, गांधी परिवार से अच्छे संबंध थे। अब अदिति पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। अदिति सिंह ने साल 2019 में पंजाब से कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी से शादी की थी। बाद में अदिति के पति फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। अंगद पंजाब के नवांशहर से 2017 में विधायक बने थे, लेकिन 2022 में अदिति की बगावत के चलते कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था। अंगद बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। अदिति सिंह का सदर विधानसभा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव जो है वो माना जाता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।